आज हम लोग घटाव बनाना सीखेंगे। जितना संख्या ऊपर लिखा होता है उतना लाइन हम लोग खींचते हैं। यहाँ 5 है तो यहाँ पर हम लोग 5 लाइन खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। नीचे 4 लिखा हुआ है, 5 में से 4 घटाना है तो हम लोग 4 लाइन को काट देंगे। 1, 2, 3, 4। अब कितना बिना कटा लाइन बच गया? 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यही आंसर हुआ। यहाँ 7 में से 5 घटाना है तो हम लोग यहाँ पर 7 लाइन्स खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इस 7 में से 5 घटाना है तो 5 लाइन्स को हम लोग काट देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब बिना काटा लाइन कितना बच गया? तो यहाँ पर 2 बच गया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, तो यही 2 आंसर हो गया। 39 माइनस 17, यहाँ पर 9 लाइन हम लोग खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब नीचे 7 दिया हुआ तो 7 लाइन्स हमको काटना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब कितना बिना कटा हुआ लाइन बच गया? तो 2, तो यहाँ पर हम लोग इसके नीचे 2 लिखेंगे। अब यहाँ ऊपर दिया हुआ है 3 में से 1 घटाना है तो यहाँ पर हम लोग 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1, 2, 3 और 1 लाइन को कट करेंगे। अब कितना लाइन बच गया? तो 2 लाइन बच गया, तो लिखेंगे 1, 2, यहाँ पर लिख देंगे 2, तो यही 22 आंसर हो गया। 4. (48 माइनस 17) तो यहाँ 8 में से 7 माइनस करना है तो यहाँ पर हम लोग 8 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 7 इसमें से क्रॉस करना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 कट गया तो बचा कितना? 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर है 4 में से 1 माइनस करना है तो यहाँ पर 4 लाइन खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 1 लाइन को कट करेंगे तो 1 को कट किए तो 3 बच गया, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे, तो 31 आंसर हो गया।